चाहूँ चाहूँ सरी आसे गोटे वर्ष अर्गस न्यूज्र नियारा प्रोग्राम सारा दुनिया पर यह एपिसोडटी बर्षर शेष एपिसोड तेब दिन राति दुनिया में घटी चली विभिन्न घटना और दुर्घटना से अनेक घटना लोकलोचन आढ़ुआल रही जाता बेले अनेक खबर पलटुची हेडलाइंस सेमती देश दुनिया किसी नियारा खबर को नहीं मुहारिका वर्ष शेषर यही एपिसोड सहित आपण समस्त नमस्कार जनाऊँ आसंतु आरंभ करिबा सारा दुनिया रा यात्रा। $100 बिलियन रा अर्थ आत्मसात वर्ष शेषे एमिती गोटे खबर केवल आमेरिका नुहे सारा दुनिया को चमकाई देछि। महामारी फंड बाटमारणा को नहीं एते बड़ दुर्नीति केबे देखि नथिला विश्वर अन्यतम प्रभावशाली राष्ट्र आमेरिका। सेठिकार प्रशासन बेस कड़ा एवं दुर्नीति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंती बोली समस्त धारणा थी बेले कोविड महामारी उद्दिष्ट फंड को केमिति आत्मसात करा जाइछि तार चित्र एबे देखिबा को मिलिछि। अमेरिका रे घटिछि कोविड फंड को नहीं सबुठ बड़ घोटाला। कोविड रिलीफ कार्यक्रम विभिन्न उपाय हड़प होइछि $100 बिलियन अर्थ। सिक्रेट सर्विस तदंतरु मिलिला प्रमाण हड़पकारी विरोध में आपराधिक मामला रुजु। कोविड पीड़ितों थैथान पर 3.4 ट्रिलियन डॉलर रो फंड तैयारी करथिले अमेरिका सरकार। महामारी फंड बाटमारणा को नहीं एत बड़ दुर्नीति केबे देखि नथिला विश्वर अन्यतम प्रभावशाली राष्ट्र अमेरिका। सेठाकर प्रशासन बेस कड़ा एवं दुर्नीति विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंति बोली समस्त धारणा थी बेले कोविड महामारी उद्दिष्ट फंड को केमिति आत्मसात कर तार चित्र एवं देखा मिली। सूचना अनुसार 2020 मार्च रे क्यार आक्ट प्रणयन द्वारा अमेरिकार डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी तरफ आरंभ कर पीपीपी बा पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम। यह योजना जरिया कोविड महामारी रे क्षतिग्रस्त होता क्षुद्र व्यवसायी वरिष्ठ नागरिकों विभिन्न कल्याणकारी संस्था स्वेच्छासेवी संस्था छोट ठिकादार एवं व्यक्ति विशेष को कम सुधर ऋण देवार व्यवस्था होता एपरिक स्थल विशेष ऋण छाड़ व्यवस्था रही योजन एथिपे गठन करा जाइतिला 3.4 ट्रिलियन डॉलर रो एक फंड। मात्र एथिरे व्यापक दुर्नीति होइतिबार एबे तदंत करी रिपोर्ट देछि अमेरिकार सिक्रेट सर्विस। या सहित तदंत रे भाग नैथिले से देशर लेबर डिपार्टमेंट एवं स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ए तीनोटी संस्थार तदंत रु प्राय $100 बिलियन रो चोरी विषय रे धरा पड़िछि। ए विषय रे सूचना देछंती अमेरिकार नेशनल पैंडेमिक फ्रॉड रिकवरी संयोजक रॉय डॉटसन। तेबे चोरीर परिमाण आहुरी अधिक हेबो बोली कुहा जाउछि। $100 बिलियन रु सबुठु अधिक अर्थ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आकार रे प्रदान करा जाइछि। एथिरे मोट $87 बिलियन रु अर्थ सही मानकु दिया जाइछि जेउ माने पाइबा उचित नहि। सेपर अनएम्प्लॉयमेंट इन्सुरेंस प्रदान क्षेत्र रे मध्य बड़ धरणर दुर्नीति होइछि बोली धरा पड़िछि। तबे तदंत परे 3.5 बिलियन डॉलर रु अर्थ विभिन्न सूत्ररु जबत करी फंड को पूर्ण फेराइछि सिक्रेट सर्विस। ए घटनारे अनेक अधिकारी को गिरफ्त करने सहित तुरंत दंड मध्य प्रदान करा जाई सल्लाणी बोली जणा पड़िछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विगत अनेक वर्ष धरी विश्वविजयी भूमिका रे रही आसिछंती भारतीय एवं भारत वंशज विदेशी नागरिक। विश्वर बड़ बड़ उद्योग क्षेत्र में दिनक दिन वृद्धि पाइबारे लागिछि सेमानकर प्रभाव। सत्यन नाडेला पराग अग्रवाल और सुंदर पिचाई पर आउरी अनेक भारतीय विश्वर उद्योग दुनिया रे खबरर शिरोनामा पलटिछंती। एबे सेही तालिका रे जोड़ी होइछि आउ जणे भारतीयंक ना। चर्चा रे पुणी जणे भारतीय वंशज सिंहक कहानी। सीओ जगदीप सिंह तांक दरमा पैकेज पई एबे आसिछंती चर्चा को। चर्चा रे पुणी जणे भारतीय मूलर सिंहक कहानी। सत्यन नाडेला पराग अग्रवाल और सुंदर पिचाईंक परी विश्वर टेक्निकल दुनिया रे एही भारतीय सीओ खबर शिरोनामा पलटिछंती। तबे सीओ जगदीप सिंह तांकर सैलरी पैकेज पई चर्चा रे आसिछंती। अमेरिकार बैटरी स्टार्टअप क्वांटम स्पेस इंडियन ओरिजिन रा जगदीप सिंह को मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी बा सीओ भाबरे नियुक्त करिछि। एथि लागि कंपनी तांको $2.3 बिलियन अर्थात 17,000 कोटी रो पैकेज देछि। विश्वर सबुठु धनी कंपनी टेस्ला रो सीओ एलन मस्क को देउतिबा पैकेज थारु भी एहा अनेक अधिक बोली कहा जाउछि।
तेबे स्टार्टअप कंपानी पैकेज को शेयरधारी मंजूरी मिलथिबार जना पड़िछि। क्वांटम स्पेसक्राफ्ट को मोट मूल्य अनुन्य 50 बिलियन डॉलर बा 4 लाख कोटी टंका। एतिरे एते बड़ पैकेज रे सीईओ को नियुक्ति को प्रथमे शेयरधारी सहजरे ग्रहण करि पार नथिले, एणु जगदीप को नियुक्ति को विरोध करथिले, किंतु परे एतिरे समस्ते सहमत होइथिबार जना पड़िछि। जगदीप जदि कंपनी को तार लक्ष्य हासिल सफल कराई परिबे तबे तांको ए पैकेज दिया जिवो। तेबे बहु बिलियन डॉलर पैकेज पाइबारे मस्क परे जगदीप सिंह हेउचंती विश्वर द्वितीय व्यक्ति। क्वांटम स्पेस एक अमेरिकीय कंपनी और फॉक्सवैगन एजी और बिल गेट्स वेंचर फंड एको सपोर्ट करुछि। वर्तमान कंपनी रा शेयर मूल्य प्राय 72% पर्यंत खसी सारिथिबा बेले जगदीप सिंह एहार सीईओ भाबरे दायित्व ग्रहण करिवे। एथिरे कंपनी रा लक्ष्य साधन किपर हेउचि ता उपरे एबे समस्तकर नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। एबे आसीबा आम पड़ोसी पाकिस्तान को। पदारे पड़िछि महिला मानक प्रति किपरि मध्ययुगीय चिंता पोषण करिथाय आतंकवादी देश पाकिस्तान एवं तार प्रधानमंत्री। आफगान रो महिला अधिकार प्रति खराब मंतव्य दे एबे अड़ुआरे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान। सारा विश्वर महिला माने इमरान प्रथमे निजकु शिक्षित करंतु बोली परामर्श देइछंती। तेबे एहाकु नै देखिबा एक रिपोर्ट। महिला विरोधी मंतव्य बेस महंगा पड़ुछि पाक प्रधानमंत्री इमरान को। अफगान महिला मानक स्वाधीनता संस्कृति विरोधी तालिबान ने उत्तवा महिला विरोधी नीति को करिथिले समर्थन। एबे निज देश समेत विदेश रे मध्य इमरान को मिलुछि निंदा। इडियट इमरान निजे प्रथमे शिक्षित होंतु बोली महिलांक परामर्श। बल प्रयोग करी अफगानिस्तान दखल करिथिबा तालिबान रो महिला मानक प्रति किपरि आभिमुख्य रहिछि ताहा काहाकु अजणा नाही। महिला स्वाधीनता रो घोर विरोधी तालिबान शिक्षा चाकरी एवं अन्य समस्त अधिकार रु वंचित करी महिलांकु बुर्खा भितरे रखिबाकु चाहुची तालिबान प्रशासन। एहाकु नै सारा विश्वर मानवाधिकार संगठन एवं महिला एक्टिविस्ट माने चिंता प्रकट करुथबा बेले एबे पाकिस्तान प्रधानमंत्री देइथिबा वक्तव्य कु नै सृष्टि होईची चर्चा। पदारे पड़िछि महिला मानंक प्रति किपरि मध्ययुगीय चिंता पोषण करिथाय आतंकवादी देश पाकिस्तान एवं तार प्रधानमंत्री। निकट रे अनुष्ठित होई जायछि इस्लामिक देश समूह बा ओआईसी रो एक बैठक रे एक सदस्य राष्ट्र भाबे पाकिस्तान तरफ रु जोग देथिले प्रधानमंत्री इमरान खान। निज भाषण प्रसंग रे तालिबान अफगानिस्तान रो महिला मानक पई नेथिबा पदक्षेप को समर्थन करथिले। तालिबान अफगानिस्तान रे महिला मानक पई नेउथिबा पदक्षेप उचित एवं विश्व समुदाय ए बाबत रे तालिबान को बाध्य करि पारिबनि। महिला स्वाधीनता अफगानिस्तान रे रहुथबा पास्तुन संस्कृति रो विरोधचरण करुछि बोली मत देई विवाद सृष्टि करथिले इमरान। इमरान को एही मंतव्य परे प्रथमे अफगानिस्तान रो महिला माने प्रकाश करथिले सेमानकर प्रतिक्रिया। इमरान जने इडियट बोली एवं तांको मंतव्य इमैच्योर बा अपरिपक्व बोली अफगान महिला माने मंतव्य देथिले। तेबे पाकिस्तान रो महिला अधिकार कर्मी माने मध्य निज देशर प्रधानमंत्री को मंतव्य को नापसंद करिबा को भूली नथिले। एपरिकि पाकिस्तान रे जन्मित नोबेल पुरस्कार पाइथिबा पास्तुन संप्रदायर मलाला युसुफ जाई इमरान खान को करिथिले कड़ा समालोचना। एबे निज देशर महिला मानक ट्रोल रो शिकार हेउछंती प्रधानमंत्री इमरान। तेबे दिनकु दिन आहुरी बढ़िबार लागिछि इमरान खान कड़ुआ। एबे विश्वर विभिन्न देश रे महिला अधिकार पै काम करुथबा संगठन एवं महिला माने इमरान के विरोध रे सोशल मीडिया रे निजर क्रोध एवं असंतोष झाड़िबार देखा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। बेले बेले विश्वर विभिन्न धनी व्यक्ति को नै विभिन्न प्रकार चर्चा सृष्टि होइथाय। एबे सेमिति विश्वर सबुठ बड़ धनी व्यक्ति एलन मस्क को नै चर्चा आरंभ होइछि। से देबाकु थिबा टिकस बाबद रे घोषणा करबा परे सृष्टि होइछि एहाकु नै चर्चा। अमेरिका इतिहास रे सबुठ अधिक बड़ टिकसदाता हेबाकु जाउछंती एलन मस्क। तेबे केते परिमाणर अर्थ से देबाकु जाउछंती टिकस बाबरे आसंतु देखिबा एही खबर रे। केते धनी एलन मस्क चलित वर्ष अमेरिका सरकार को केते टिकस देबे विश्वर सबुठ बड़ एही धनी।
निजे ट्वीट करी जणाइले देबाकु थिबा टिकसर परिमाण। आमेरिका इतिहास रे केही एजाए देइ नथिले एते परिमाणर टिकस। समस्त पूर्व आकलन को करी देले फुल। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एवं घरोई महाकाश गवेषणा कंपनी स्पेक्स एक्स रो सीईओ तथा अमेरिकी धनी एलन मस्क निकटे करथिले एक बड़ घोषणा। ट्विटर रे करथिबा एक पोस्ट रे से जा सूचना देथिले ताहा चमकाई देथिला अमेरिका तथा सारा विश्ववासी को। ट्विटर रे लेखिथिले से चलित वर्ष देबाकु जाउछंती सबुठु अधिक टिकस जहां अमेरिका इतिहास रे केही केबे देइ नथिबे। एलन मस्क ए ट्वीट परे शिल्प तथा उद्योग जगत रे आरंभ होई जाइथिला अनेक कल्पना जल्पना एवं चर्चा। मस्क तांकर चलित वर्षर व्यवसाय बा आय अनुसार प्राय 8.3 बिलियन डॉलर अर्थ अमेरिका सरकार को देई परंती बोली अनेक आकलन करथिले। मात्र भूल प्रमाणित होईछि सेमानकर समस्त आकलन। जेति के आकलन करा जाउथला ताठरु बेस अधिक टिकस चलित आर्थिक वर्ष रे देबे बोली निजे एलन मस्क एबे ट्वीट करी जणाइछंती। डिसेंबर 20 रे से करथिबा एक ट्वीट अनुसार से चलित आर्थिक वर्ष रे सरकार को पैठ करिवे 11 बिलियन डॉलर रु अधिक अर्थ। निकट रे अमेरिकार जने डेमोक्रेटिक सिनेटर एलिजाबेथ वारेन एलन मस्क को टिकट देबा नै एक चैलेंज करथिले। एहा परे समस्ते जानिबा को चाहिथिले चलित वर्ष केते टिकस देबे मस्क। विश्वर सबुठ बड़ धनी भाव में चलित बर्ष टाइम मैगजीन तरफ मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर भाव आख्या दिया जाइथिला। सिनेटर का चैलेंज को स्वीकार करी एलन कहिथिले से अमेरिका इतिहास रे सबुठ अधिक टिकस देबे जहां तांकर 20 डिसेंबर रो ट्वीट रु जणा पड़िछे। कारण गोटी आर्थिक वर्ष रे आज जाए कौनसी अमेरिकी 11 बिलियन डॉलर टिकस दे नहांती। एलन विश्वर सबुठ बड़ धनी होइथिबारु बोधहुए चलित वर्ष विश्वर सबुठ अधिक टिकस देथिबा धनी पालटी पारंती। एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी रो व्यवसाय 1 ट्रिलियन डॉलर होइथिबा बळे महाकाश गवेषणा कंपनी स्पेस एक्स रो नेट मूल्य 100 बिलियन डॉलर रु किछ अधिक। निकटरे मस्क तांकर टेस्ला कंपनी रु 14 बिलियन डॉलर रो शेयर बिक्री चर्चा को आसीथिले। तेबे मस्क व्यक्तिगत संपत्ति रो परिमाण 266 बिलियन डॉलर हेबो जहां उपरे से टिकस देवे बोली जहां पड़ी छे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सारा दुनिया रे एमिति केही मणिष नहांती जिए केबे हसी नथिबे। हस विहीन जीवन जीवन नुहे बोली आपण कहि परंती। मात्र एबे परिचय संकट दे गति करूछि मणिष को जन्मगत भाव रे मिलिथिबा उपहार हस। हसिले मिलिब कठोर दंड। देशर पूर्वतन राष्ट्रपति को सम्मान जणाइबाकु जाय करा जायछि एपरि कड़ा नियम। तेबे केउटी एवं केउ राष्ट्रपति को पाई ए नियम करा जायछि आसंतु देखिबा। एगार दिन जाए हसिबा मना। हसिले मिलिब कठोर दंड। एगार दिन जाए केही पालिबे नाही कोनोसी उत्सव। दुकान बजार रु सौदा किणिबा भी मना। ए समय मध्य रे पिला जन्म हेले भी खुशी हेबाकु बारण। एपरि अजब नियम एबे सृष्टि करिछि चर्चा। भारत में विशेषकर हिंदू माने परिवार रो केही मृत्युवरण कले 10 रु 12 दिन जाए श्रुदिकिया विभिन्न रीतिनीति एवं शोक पालन करा जिवारो आमे जानिछे। सेहिपरि देश में कौन बड़ एवं महान व्यक्ति देहांत में राष्ट्रीय शोक पालन करा जिवारो परंपरा रही। मात्र एबे एशियो देश उत्तर कोरिया राष्ट्रीय शोक पालन पाई जो नियम करा जायछि ताकु नै सारा विश्व में सृष्टि होइछि चर्चा। से नियम पुणी जारी करा जायछि से देशर सरकार तरफ। सूचना अनुसार प्रतिवर्ष डिसेंबर 17 तारीख में 10 दिन धरी पालित होता है उत्तर कोरिया पूर्वतन शासक किम जंग इल श्राद्ध व मृत्युवार्षिकी। किम जंग इल होती वर्तमान राष्ट्रपति व शासक किम जंग उन बापा जी 1994 रु 2011 जाए थे देशर शासक। तांकर मृत्यु 2011 डिसेंबर 17 तारीख में होता। से ही वर्ष पर प्रतिवर्ष डिसेंबर 17 तारीख दिन पालित होता है मृत्युवार्षिकी। से ही अवसर में प्रतिवर्ष उत्तर कोरियावासी जारी होता है अनेक नुआ नुआ अजब नियम जहाँ से मानवाक बाध्य चलित वर्ष पालित हो 10म श्राद्ध वार्षिकी। तेज चलित वर्ष जो नियम सरकारी भाव में जारी होता सृष्टि कर चर्चा। नियम अनुसार डिसेंबर 17 रु 27 जाए पालित हो पूर्व राष्ट्रपति मृत्युवार्षिकी। 11 दिन समय मध्य कौन उत्तर कोरियावासी हसवा मना।
या सहित मद्यपान करने एपरिक दोकानु तेजराती सौदा किणवा कि विलास बेसन सामग्री किणवापर रही कड़ा कटक केवल से नुहे कौन प्रकार उत्सव पालन करें देशर नागरिक क्या घरे समय मध्य पा जन्म हेले खुशी मन पारे कि पर कहीं मरीगले जोरे कदिपरि जदि नियम कहीं अमान्य करती तेरे से गिरफ्त कर सहित कठोर दंड से दंडित कर पूर्व वर्ष गुड़िकरे जो माने विभिन्न सरकारी नियम मानि नथिले सेमाने दंडित होई एबे भी जेल रे सडुथवार कहा जाउछि तेनु भय आ आशंका एबे भी चलित वर्षर एही नियम को मध्य मानि चलुछंती उत्तर कोरिया नागरिक किए नियम भांगुछंती कि नाही तदराक करबाकु एक मास पई पुलिस कर्मचारी को स्वतंत्र ड्यूटी करबाकु निर्देश रहिछि। उत्तर कोरिया एक छत्रवादी कम्युनिस्ट देश होइथवारु विभिन्न समय रे अनेक प्रकार रो अजब नियम मानिबाकु नागरिक मानकु बाध्य करा जायथाय जाहाकु मानिथांती सेठाकार लोके। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे सारा दुनिया रे कोविड भूताणु को नहीं दूर होइनी भार वातावरण नुआ नुआ वेरिएंट डराउछि मनुष्य को जेमिति एबे आतंकर अन्य ना पलटिछि ओमिक्रॉन तेबे ओमिक्रॉन वायरस को नहीं रहितिबा भय को दूर करिछि सद्यतम प्रकाशित साउथ आफ्रिकार ओमिक्रॉन मॉडल। एही मॉडल विगत एक सप्ताह पूर्वरु एक चतुर्थांशरु अधिक मामला पाई हिसाब देउथिबा बेले पूर्व सप्ताह तुलन रे वर्तमान प्राय अधा ह्रास पाइथिबा देखिबाकु मिलिछि। फळरे ह्रास हेउथिबा धारा एवं मामला सारा विश्व रे बढ़ाइछि उत्साह। ओमिक्रॉन भय दूर कला साउथ आफ्रिका मॉडल। दक्षिण आफ्रिका रे कमिला नूतन मामला पूर्व सप्ताह तुलना रे 20% रु अधिक ह्रास पाई पॉजिटिव केस ह्रास होता धारा एवं मामला बढ़ाई उत्साह। खुब शीघ्र ओमिक्रॉन वेव शेष होवानी आशा पोषण करिछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। दक्षिण आफ्रिका रे तांडव रचिथिबा ओमिक्रॉन वेरिएंट रो संख्या एबे ह्रास पाइबा लागिछि। कोरोना मामला रे 22% ह्रास घटिछि जहाँ परे वर्तमान ओमिक्रॉन वेव एक प्रकार शेष होइछि बोली कहा जायछि। दक्षिण आफ्रिका रे कोरोना रे एक नूतन प्रकार ओमिक्रॉन रो प्रथम मामला पंजीकृत होइतिला। हजार हजार मामला पंजीकरण करबा परे गत सप्ताह रे दक्षिण आफ्रिका रे कोरोना मामला रे 22% ह्रास घटिछि जहाँ परे दक्षिण आफ्रिका रे ओमिक्रॉन तरंग समाप्त होबार आशा करा जाउछि। दक्षिण आफ्रिका रे दैनिक कोरोना संकलन रे 22% ह्रास घटिछि। गत 24 घंटा मध्य रे दक्षिण आफ्रिका 21,900 नुआ मामला रिपोर्ट करछि जहाँ गत बुधवार पंजीकृत होइतिबा 26,976 ठारु प्राय एक चतुर्थांश कम अटे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज बा एनआईसीडी रो तथ्य दर्शाइछि जे डाक्तरखाना रे भर्ती हेबा संख्या मध्य ह्रास पाइछि। समग्र देश में 590 रु अधिक लोकों को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि जहाँकि गोटे सप्ताह 4% कम अटे। गत सप्ताह 54 कोविड मृत्यु पंजीकृत होता बेले सप्ताह संख्या 99 रे पहुंची। अनेपटे जदि आम दक्षिण आफ्रिकार मोट कोरोना संक्रमण संख्या को देखा तेज संख्या 33,53,106 रे पहुंची। या सहित महामारी रे मृत्यु संख्या 90,000 अतिक्रम करछि। तबे दक्षिण आफ्रिका रे सृष्टि हुई एवं चिंतार कारण पलटिथिबा ओमिक्रॉन सेठारे ह्रास पाइथिबारु भारत समेत अन्य देशगुडीक पई आश्वासना आनिछि बोली कहा जाय पारे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे चालंतु देखिबा विज्ञान संबंधी एक खबर। डायनोसर भली बृहत जीवंक विषय रे आपण जानिछंती एबे 6 न्यूज वर्ष पुरणा अंडारु मिलिछि डायनोसर रो भ्रूण। तेबे सबुटु बड़ कथा हेउछि एहा आगरु मिलिथिबा डायनोसर मानंकर फसिल ठारु पूरा पूरी भाबरे भिन्न। चीन रो गांगजू प्रदेश रो एक संग्रहित डायनोसर भ्रूणर संधान पाइछंती वैज्ञानिक माने। वैज्ञानिक माने एहार नाम बेबी यंगलियांग्स रखिबा सह एही जीवाश्मर एक चित्र मध्य प्रस्तुत करिछंती जहाँ को नहीं एबे सारा विषय लागि रही चर्चा। छसठी नियुत वर्ष पुराणा अंडारु मिली डायनोसर भ्रूण यह अन्यान्य जीवाश्म ठारु संपूर्ण भिन्न। एक भ्रूण एक दंत विहीन थेरोपाड डायनोसर अटे। बेबी यंगल्यांग नामरे वैज्ञानिक माने करिछंती यहार नामकरण। यहाँ गवेषणा करिछंती बर्मिंगहाम विश्वविद्यालय गवेषक डॉक्टर फियोन विसम। विषम कहते अंडाटी 7 सेंटीमीटर लंबा एवं 8 सेंटीमीटर चौड़ा।
ଚୀନର ଗାଙ୍ଗଝୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଡାଇନୋସର ଭ୍ରୂଣର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରୂଣଟି 66 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଯାହା ଅଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଏ ଭ୍ରୂଣ ଏକ ଦନ୍ତବିହୀନ ଥେରୋପାଡ ଡାଇନୋସର ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ନାମ ବେବି ୟଙ୍ଗଲ୍ୟାଙ୍ଗ ରଖିବା ସହିତ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ବର୍ମିଂହାମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଫିଓନ ୱିସମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡାଟି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। 2000 ମସିହାରେ ସାହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କରେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଚାଇନାର ୟଙ୍ଗଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ପରଠାରୁ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଥରେ ୟଙ୍ଗଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଣ୍ଡା ସେଲ୍ରୁ ଏହାର ହାଡ଼ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ମିଂହାମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳାଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗବେଷକ ଫିଓନ୍ କହନ୍ତି ଏହି ଡାଇନୋସର ଭ୍ରୂଣ ଏକ ବିରଳ ଜୀବାଶ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବାଶ୍ମରେ ହାଡ଼ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେବି ୟଙ୍ଗଲ୍ୟାଙ୍ଗରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଇନୋସର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜାଦାର, କାରଣ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ ଭ୍ରୂଣ ପରି। ଏହି ଭ୍ରୂଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଡାଇନୋସର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଖବର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷର ଜୟଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଖବରଟି ବେଶ୍ ରୋଚକ। ମହାକାଶରେ ହେୟାରକଟ୍ ପାଇଁ ସାଲୁନ୍ ଖୋଲିଛି। ମହାକାଶର ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ସାଲୁନ୍, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏହି ସାଲୁନ୍ରେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାଥିଆସ୍ ମାରୁକ୍ସଙ୍କର ହେୟାରକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବଂଶଜ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ରାଜାଚାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମହାକାଶ ସାଲୁନ୍ର ରହସ୍ୟ। ମହାକାଶରେ ବାଳକଟା ସେଲୁନ୍, ବାଳ କଟେଇଲେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍। ସେଲୁନ୍ ବାଲା ହୋଇ ବାଳ କାଟିଲେ ଭାରତ ବଂଶଜ ରାଜାଚାରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ମହାକାଶରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଖୋଲିଲା ବାଳକଟା ସେଲୁନ୍, ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା, ମହାକାଶରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେ ତାଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଲଗା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ଯାଏଁ ବେଶ୍ ଅଲଗା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲାବେଳେ କଠୋର ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ମହାକାଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ କେମିତି କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାଳ? ଯଦି ବାଳ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କି? ଏବେ ମହାକାଶରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହାକାଶରେ ଖୋଲିଛି ସେଲୁନ୍। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକା ନାସାର ଏକ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କିଛି ମହାକାଶଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶଜ ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରାଜାଚାରୀ। ରାଜାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମହାକାଶ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼ିଥିବା ତାଙ୍କର ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ତାହା କରିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପରି ସେତେଟା ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଚାରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ମହାକାଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେୟାର କଟର ଏବଂ କ୍ଲିପର, ଯେଉଁଥିରେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା କଟିଥିବା କେଶକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ବରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରେ। କାରଣ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବାଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ। ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଥିଆସ୍ ମାରୁର୍ଙ୍କ ବାଳକଟା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ନିଜେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ। ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ରେ ରାଜାଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବାଳ କାଟୁଛି, ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବିବା ଆମ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ରାଜାଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ମଣିଷ। ମହାକାଶ ସେଲୁନ୍ରେ ଏହି ବାଳକଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
2021 वर्ष शेषर ए शेष एपिसोड निश्चय आपण मानक भल लगी एक निरा स्वाद दे आशा करुचु। आज एति पुणी आसबी आउ एक नुआ एपिसोड सहित 2022 सप्ताह यही दिन यही समय रे। नमस्कार।